हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आपने जो मैंने पिछला लेक्चर अपलोड किया था वो भी देख लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। तो जो डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक प्रोटोजोआ। जैसे कि हम जान रहे हैं, प्रोटोजोआ अभी तक पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ की स्टडी कर रहे हैं, तो जो आज का हमारा न्यू मेंबर है वो भी प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ के उस मेंबर का नाम है मोनोसिस्ट एजलिस। जी हाँ, आज हम मोनोसिस्ट एजलिस के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे क्या है इसमें, कैसे क्या होता है, कैसा इनका सिस्टम है, सिस्टमैटिक पोजीशन है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, इनका रिप्रोडक्शन, इनके लाइफ साइकिल के बारे में और बहुत सारे और भी बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को डिले ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि हो सकता हो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, क्योंकि इसमें उतना मुझे मैंने कंटेंट नहीं मिला और जो मैंने खास खास टॉपिक थे, पॉइंट्स थे, मैं उन सबको यहाँ पर लेके आई हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो मोनोसिस्ट एजलिस है, जैसे कि आपको पता है ये प्रोटोजोआ का है ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये आपके अर्थवॉर्म को इन्फेक्ट करता है, तो मोस्टली ये अर्थवॉर्म में ही देखा जाता है। तो इनको एक स्पेसिफिक पोजीशन दी गई है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। इनका अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इनको फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। इनका सब फाइलम उस स्पोरोजोआ, क्ला, टीलोस्पोरिया और इनकी जो सब क्लास है उसको ग्रिगैरिनिया में रखा गया है। इनका जो ऑर्डर है वो है यूग्रिगैनिडिया और इनका जीनस है मोनोसिस्ट और स्पीसी एजलिस है। तो ये है इनका सिस्टमैटिक पोजीशन। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं इनकी हैबिट और हैबिटाट के बारे में। तो एक्चुअली ये आपके मोनोसिस्ट जो हैं वो इंडो पैरासाइट होते हैं अर्थवॉर्म में। एक्चुअली यहाँ पे माइक्रोसिस्ट नहीं है, ये लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ मोनोसिस्ट है, तो इसे हम यहाँ ठीक कर लेते हैं। ये है मोनोसिस्टिस। ओके, तो ये आपका जो मोनोसिस्ट है वो इंडो पैरासाइट है, यानी कि ये पैरासाइट के फॉर्म में रहता है लेकिन अंदर रहता है अर्थवॉर्म के। एंड कहाँ रहता है, इनके सिलोम में और इनके सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल का जो मतलब होता है वो आपके सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड है अर्थवॉर्म के। अर्थवॉर्म की क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें जो आपका सेमिनल वेसिकल होता है वो सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम इनकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जो ट्रोफोजाइट होते हैं वो एडल्ट होते हैं एंड फीडिंग स्टेज होते हैं पैरासाइट फॉर्म होते हैं। इनकी ट्रोफोजाइट जो इनके फॉर्म होते हैं वो पैरासाइट फॉर्म होते हैं, फीडिंग स्टेज होते हैं और ये आपके सेमिनल वेसिकल के में पाए जाते हैं अर्थवॉर्म के अंदर। नेक्स्ट इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें स्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, तो उन सब पॉइंट को हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट इनका आता है शेप एंड साइज। ओके, तो शेप एंड साइज के बारे में स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो जो ट्रोफोजाइट होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं जो कि ट्रोफोजाइट्स हैं। शेप एंड साइज होता है वो इनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, यानी जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होगा, ये स्टेज डेवलपमेंट की स्टेज में आगे की तरफ ग्रो करेंगे, वैसे वैसे इनका शेप और साइज भी बदलता रहेगा। यंग स्टेज में ये राउंड होंगे ये एंड 5 μ लॉन्ग होंगे। अगर मैच्योर रहेंगे, जब भी मैच्योर स्टेज में आ जाएंगे तो इलोंगेटेड रहेंगे, स्पेंडल शेप रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, वार्म लाइक रहेंगे एंड टैपरिंग रहेंगे बहुत इंड, यानी कि कह रहा है कि इलोंगेटर तो रहेंगे ही। ओके, कुछ स्पेंडल शेप रहेंगे और ये साइड में थोड़ा टैपरिंग रहेंगे, ऐसे मतलब टैपरिंग रहेंगे। ओके, एंड उसके बाद ये 500 μ लॉन्ग रहेगा, 400 μ ब्रॉड रहेगा एंड इन्हें हम नेकेड आई से शो कर सकते हैं क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं। एंड इनका 500 μ लॉन्ग है, 40 μ इनका ब्रॉड है, तो हम इन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात नेक्स्ट जो हमारा है वो है इनके पेलिकस के बारे में। इनके जो पेलिकस होते हैं वो थिक होते हैं एंड मजबूत होते हैं, और इनमें आपका कॉन्टेटाइम माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, अरेंज होते हैं इनके पेलिकस में। अब हम बात करेंगे इनके साइटोप्लाज्म के बारे में। तो जैसे हम जानते हैं साइटोप्लाज्म एक इंडो होता है और एक एक्टो होता है। तो जो साइटोप्लाज्म इंडोप्लाज्म होता है वो पैराग्लाइकोजन फैट ग्लूबुलिन अब प्रोटीन रिच इन फॉस्फोरस एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इनके इंडोप्लाज्म में पैराग्लाइकोजन फैट ग्लूबुलिन ये सब वगैरह पाए जाते हैं। वैसे अगर पैराग्लाइकोजन की बात करें तो एक रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में काम करता है। एंड अगर इसकी एक्टोप्लाज्म की बात करें तो इन्हें अगेन थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आउटर है एपिसाइट, मिडल सैक्रोसाइट एंड इनर है मायोसाइट, सॉरी ये मिडल वाला सार्कोसाइट है। तो जो आपका मायोसाइट है इनर वाला उसको आपको मायोनिम्स बोलते हैं। इनमें इनर जो होता है साइटोप्लाज्म मायोसिस्टम मायोनिम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इनके बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये सिंगल होते हैं वेसिकुलर विद स्पेरिकल एरिस्पोडियल फॉर्म होते हैं एंड इनमें वन न्यूक्लियोलस या कैरियोसोम पाए जाते हैं। ये तो हमने बात किया इनके स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब हम बात करेंगे इनकी फिजियोलॉजी के बारे में। तो इनकी फिजियोलॉजी में जो फर्स्ट आता है इनका लोकोमोशन। ओके, ये व्रिगलिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द मायोनिम्स, यानी कि इनके जो मायोनिम्स हैं जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे एंड रिलैक्शन करेंगे तब ये मूवमेंट शो करते हैं, इसलिए इनको ग्रेगेरियन मूवमेंट बोलते हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक लेक्चर में यूग्लिना के बारे में पढ़ाया था और उसमें यूग्लाइन मूवमेंट भी बताया था। मीन्स वो बॉडी को थोड़ा सिकुड़ते हैं, फिर उसके बाद धकेलते हैं आगे की तरफ, फिर सिकुड़ते हैं, फिर धकेलते हैं आगे की तरफ। यानी सिकुड़ के मतलब पहले ऐसे था उनका बॉडी का शेप, ओके, फिर उन्होंने ऐसे सिकुड़ लिया, रिलैक्स हो गए, फिर उन्होंने फैला लिया, फिर सिकुड़े, फिर फैला लिया। ऐसे से करते करते वो आगे की तरफ मूव करते हैं। तो कुछ इसी तरह का मूवमेंट इसमें भी शो होता है। इसको रिगलिंग मूवमेंट या ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कहते हैं, जो आपके मायोनिम्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से होता है, इसलिए इसको ग्रेगेरियन मूवमेंट कहते हैं, जो यूग्लाइड मूवमेंट की तरफ होता है। जैसे यूग्लिना में यूग्लाइड मूवमेंट होता है उसी तरह ये भी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो सेप्रोजोइक होते हैं और ये क्या काम करते हैं कि अर्थवॉर्म से जो अर्थवॉर्म का सेमिनल वेसिकल होता है उनके फ्लूड को एब्जॉर्ब करते हैं बाय ऑस्मोट्रॉफी। और ये कैसे लेते हैं अपने जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा इन्हें लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई स्पेशल तो ऑर्गन होते नहीं, इसलिए जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा लेते हैं। साथ ही साथ में जो रिजर्व फूड होता है वो इंडोप्लाज्म में होता है और पैराग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन थ्रू इट्स पेरिकल फ्रॉम द सेल कंटेंट ऑफ होस्ट स्पर्म मोरूला। मीन्स ये क्या काम करते हैं, ये जो आपके हैं मोनोसिस्ट एजिलिस ये आप क्या काम करते हैं कि ऑक्सीजन को डिफ्यूजन द्वारा लेते हैं। ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन थ्रू इट्स पेलिकल्स, मतलब पेलिकल्स के द्वारा ही डिफ्यूजन के द्वारा, मतलब पेलिकल्स से होते हुए बाय डिफ्यूजन ऑक्सीजन इनके अंदर एंटर कर देता है। और कहाँ से, द सेल कंटेंट ऑफ होस्ट स्पर्म मोरूला से, यानी कि स्पर्म जो मोरूला होते हैं होस्ट के उससे ऑक्सीजन गेन करते हैं। तो जो आपका मोनोसिस्ट एजिलिस है उनकी ये पेलिकल्स हैं, तो पेलिकल्स से होते होते अंदर जाता है। और ये अंदर किस प्रोसेस के द्वारा जा रहा है, ये हो रहा है डिफ्यूजन के द्वारा, ओके। और एंड आपका ये आपका सपोज होस्ट है एंड होस्ट के अंदर ये आपका मोनोसिस्ट एजिलिस है, तो ये अब आपके स्पर्म मोरूला है सपोज यहाँ पे, तो इनसे ही ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये पेलिकस के द्वारा इंटर कर रहे हैं। कौन से प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रीशन में। तो एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो कोई स्पेशल तो ऑर्गन नहीं होता है, तो एक्सक्रीशन में डिफ्यूजन द्वारा होता है, यानी कि जो मोनोसिस्ट एजिलिस को अगर कुछ भी बॉडी से बाहर निकालना है तो ये मोनोसिस्ट एजिलिस है, तो सपोज हो सकता है इनकी जनरल बॉडी सरफेस से द्वारा होता हो
या इनकी पेलिकल्स के द्वारा ये एक्सक्रीशन वगैरह को बाहर निकालते हो बाय डिफ्यूजन। एंड का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो या तो CO2 होगा या नाइट्रोजनस मटेरियल होगा। तो आज का जो लेक्चर है हम यही एंड करते हैं। हो सकता हो आज का जो लेक्चर वो छोटा हो, क्योंकि मैंने बताया ना शुरू में ही कि इसमें कुछ खास पॉइंट मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लाइफ साइकिल एंड इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, चलिए अब तो कुछ वैसे रह नहीं गया है बोलने के लिए, जो भी थे बातें हमने डिस्कस कर ली है। तो लेक्चर मैंने पहले ही बता दिया था कि छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एंड लेक्चर छोटा था भी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इस क्लास को अटेंड कीजिए, इस लेक्चर को समझिए इसमें क्या बताया गया है मोनोसाइटिस के बारे में। एंड प्रीवियस भी लेक्चर को जो मैंने अपलोड किए उसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, हो सकता हो ये आपके कुछ काम आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।